डेढ़ करोड़ के बेल्ट, 40 लाख के बैग्स, 15 लाख की बाइकर जैकेट्स, 6 लाख की घड़ी और 10 लाख की सीक्वेंट ड्रेस। कमाल है, बेल्ट, बैग्स, जैकेट, घड़ी जैसी चीजों के इतने दाम। बिल्कुल सही सुना आपने। एक और बात जान लीजिए, इतने महंगे सामानों के खरीदारों की कमी भी नहीं है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनियां मोस्ट फैशन आइकॉनिक ब्रांड बन चुकी है। इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद साला मैं तो साफ बन गया से भी ज्यादा वाली फीलिंग आती है। अगर आप फैशन का थोड़ा भी शौक रखते हैं तो आपने अब तक ये जरूर गेस कर लिया होगा कि हम किस ब्रांड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, गुची ही है वो कंपनी जो आज एक मोस्ट फैशन आइकॉनिक ब्रांड बन चुकी है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की इतनी धूम है कि कोई भी मॉडल तो क्या, हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलेब्रिटीज इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। आखिर गुची के प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है कि इतने महंगे होने के बाद भी वर्ल्ड मार्केट में इसने धूम मचा रखी है, जबकि इसके प्रोडक्ट की कीमत आम लोगों के बस की बात तो कतई नहीं है। हम अपने इस वीडियो में गुची के एक साधारण कंपनी से लेकर फैशन आइकॉनिक ब्रांड बनने तक के सफर को पूरा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वैसे दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक बेहतर कंपनी बनाने के लिए एक बेहतर आइडिया की जरूरत होती है, और अपने बिजनेस को बेहतर और सक्सेसफुल बनाने के लिए आप इंडिया के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM पर फेमस बुक Built to Last, Successful Habits of Visionary Companies की बुक समरी सुन सकते हैं। इसके अलावा भी कुकू FM पर आपको कई और विषयों पर 1000 प्लस आवर्स का ऑडियो कंटेंट मिलेगा, जिन्हें सुनकर आप अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही अपनी बोरियत भी मिटा सकते हैं। अगर आप हमारा 22nd से 28th ऑफ फेब के बीच कूपन कोड FEB50 इस्तेमाल करके कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। डबल जी वाला लोगो, आकर्षक डिजाइन और फैशन वर्ल्ड में अपनी पैठ बना चुके गुची के प्रोडक्ट महंगे तो हैं ही। इसकी एक और खास बात है कि उनसे अपने प्रोडक्ट सेल की रणनीति धारा के विपरीत चलने वाली बनाई है। उसकी मार्केट आम नहीं बल्कि खास लोगों की है, यानी जो जितना भुगतान करने को तैयार हैं, गुची इनसे उतना ले लेता है। गुची प्रीमियम क्लास के सामान के प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट है। ये ब्रांड इंटरनेशनल रिटेलर कैरिंग का हिस्सा है। लुई वुटन के बाद गुची दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला ब्रांड माना जाता है। पूरी दुनिया में तकरीबन 500 स्टोर चेन और ऑनलाइन सेल्स के दम पर गुची ने पिछले साल $6.5 बिलियन से अधिक का व्यापार किया था। 1998 में गुची के जीन्स को दुनिया के सबसे महंगे जीन्स होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, जिसकी कीमत $3,134 थी। तभी तो गुची ने बड़े शान से अपना टैगलाइन रखा है, क्वालिटी लंबे समय तक याद रहती है लेकिन कीमत भुला दी जाती है। यही वजह है कि गुची के दुनिया भर के सेलेब्स दीवाने। भारतीय सुपरस्टार्स भी इससे अछूते नहीं है। ये गुची की दीवानगी का ही नतीजा है कि मशहूर विदेशी रैपर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी जब मौत हो जाए तो मेरी खास ख्वाहिश है कि मुझे गुची के किसी स्टोर में दफना दिया जाए। हॉलीवुड एक्ट्रेस ग्रेस कैली का रेशमी स्कार्फ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जैकी कैनेडी का शोल्डर बैग इसकी प्रसिद्धि की कहानी कहते हैं। वह इंडियन स्टार्स रणवीर सिंह, कियारा आडवाणी जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स भी इस ब्रांड को काफी पसंद करते हैं। एक मुहावरा है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। गुची का मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड बनना इस मुहावरे पर खरे उतरने जैसा ही है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने में गुची को सालों साल लग गए। गुची और गुची नाम के एक साधारण व्यक्ति ने साल 1921 में गुची की नींव रखी। साल 1881 में गुची और गुची का फ्लोरेंस फ्रिंजे में जन्म हुआ। साधारण इतावली कारीगर परिवार में जन्मे गुची और गुची ने अपने 23 साल पूरे होते ये फैसला कर लिया कि वो व्यापार करेंगे। हालांकि उनके पिता इस फैसले से नाराज थे। शुरुआती व्यापार में उन्हें काफी नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उन्हें व्यापार का कोई अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से गुचियों को अपने व्यापार में इतना नुकसान हुआ कि वो कर्ज में डूब गए। फिर उन्हें अपना व्यापार बंद करना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें अपना पेट पालने के लिए एक होटल में नौकरी करनी पड़ी। यहीं से परोक्ष रूप से गुची के काल्पनिक नींव डलनी शुरू हो गई, क्योंकि इस होटल में आने वाले धनाढ्य लोग होते थे और उनकी ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छी होती थी। आगे चलकर उन्होंने उन्हीं डिजाइन को अपना USP बनाया। 10 साल तक नौकरी करने के बाद उन्हें वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया और इटली लौट आए। साल 1921 में उन्होंने गुची कंपनी बनाई, जिसकी शुरुआती प्रोडक्ट जॉकी और घोड़े के लिए सूट, बैग, वेज और सूटकेस थे। बाद में उन्होंने बांस के हैंडल वाले हैंडबैग बनाने शुरू किए, जो आज भी इसके मुख्य प्रोडक्ट में शुमार हैं।
आगे चलकर उन्होंने पतली काठियों से बनी पतली धारेदारी बुराईदार किनारियों और निचले हिस्से में स्वेड मॉकेसिन वाले जूते बनाने शुरू किए, जो आगे चलकर उसका ट्रेडमार्क बन गया। 1937 तक उनका व्यापार विदेशों तक फैल चुका था। गुची ने पहली विदेशी आउटलेट यूएसए की न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में खोली। इधर उनकी छोटी सी कार्यशाला फैक्ट्री बन गई थी, जिसके बाद हैंडबैग्स और दस्ताने भी बनाए जाने लगे। वक्त के साथ गुची के प्रोडक्ट्स, स्टोर्स की संख्या और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ते चले गए। 1960 में गुची ने सुदूर पूर्वी देशों में अपने विस्तार के लक्ष्य को पूरा किया। इसके तहत उसने हांगकांग और टोक्यो में अपने स्टोर्स खोले। साथ ही इसी समय उसने अपने प्रसिद्ध लोगो डबल जी को जन्म दिया, जो कि अब तक इस ब्रांड का प्रतीक है। 1980 आते आते गुची दुनिया के प्रभावशाली फैशन कंपनियों में से एक माना जाने लगा। अपनी सफलता को देखते हुए गुची ने फैसला किया कि कंपनी में साझेदारी करने के लिए आम जनता को आमंत्रित किया जाए। इसके लिए उसने एमएक्स और नाइसे में खुद को लिस्ट करवाया। उसने अपने शेयर्स के दाम $22 रखे। गुची की अर्थनीति, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कुशल नीतिपूर्ण व्यापार के लिए यूरोपियन बिजनेस प्रेस फेडरेशन की ओर से उसे फिर यूरोपियन कंपनी ऑफ द ईयर की उपाधि भी दी गई। गुची ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अपने व्यापार का विस्तार किया। इसके तहत इसने अमेरिकन मोटर्स कॉरपोरेशन, जनरल मोटर्स और फोर्ड के साथ समझौते किए। 1972-73 में अमेरिकी कार वैगन स्पोर्ट अबाउट के इंटीरियर को पहली बार गुची ने डिजाइन किया। 1979-80 में जनरल मोटर्स की ओर से कैडिलैक सिविल कार लॉन्च की गई, जिसके इंटीरियर में लोगो हेडलाइनर और हेडरेस्ट पर गुची के प्रतीक चिन्ह दिए गए थे। साथ ही उसकी छत विनाइल से बनाई गई थी। इस पर गुची का डबल जी लोगो दिया गया। इतना ही नहीं, उसके ट्रंक में गुची लगेज का पूरा सेट रखा गया था। केवल कमाई नहीं, गुची सामाजिक सेवा भी करता है। 2005 में इसने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की, जिसके तहत वो अपने प्रोडक्ट से कमाया हुआ कुछ हिस्सा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड में दान करता है। इसने 5 साल में कुछ 7 करोड़ का फंड यूनिसेफ को दिया। इस फंड से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अनाथों और एचआईवी एड्स पीड़ित बच्चों के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। गुची की एक जबरदस्त सफलता की सबसे बड़ी कड़ी उसकी स्ट्रेटजी है। व्यापार के हर क्लास में वो बहुत ही बारीकी से काम करता है, चाहे उसका टारगेट कस्टमर हो, पीआर या सेल्स टीम हो, डिजाइनर टीम हो, सभी के कदम ताल एक होने से गुची सफल हो पाया। इसके लिए सबसे पहले गुची ने रणनीति बनाई कि वो सभी ग्राहकों को टारगेट ना कर उन चुनिंदा कस्टमर्स को टारगेट करेंगे जिनकी क्लास हाई हो, जिनका टेस्ट अच्छा हो, और सबसे बड़ी बात कि वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले हों। अपने डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट लॉन्च, शोज और ट्रेड मार्किंग के दम की वजह से काफी महंगे होने के बाद भी उसकी प्रोडक्ट की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती गई। इतना ही नहीं, गुची अपने मटेरियल की क्वालिटी पर भी खासा ध्यान रखता है, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट्स काफी इम्प्रेसिव होते हैं, जिसके कारण वो प्रोडक्ट्स हमेशा करंट फैशन ट्रेंड से न केवल मैच करते हैं बल्कि फैशन ट्रेंडी बन जाते हैं। अपने क्रिएटिव ब्रांड्स को ऊंचे वर्गों तक फेमस करने के लिए गुची ने एक अलग तरीका भी अपनाया, जो कि आज पूरी दुनिया से चलन में है। उसने सेलिब्रिटीज को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना शुरू किया। ग्रेस कैली का गुची का स्कार्फ पहनना इसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। सफलता की लंबी दास्तां के दौरान गुची को अंधेरी गलियों में भी भटकना पड़ा था। चरम पर पहुंचने के बाद गुची को संकट का भी सामना करना पड़ा, जिसकी कई वजह थी। उनमें से मुख्य थी परिवार की आंतरिक कलह और व्यापार संबंधित लिए गए कुछ गलत फैसले। इनकी वजह से एक बार गुची दिवालियेपन की कगार पर भी खड़ी हो गई थी। साल 1979 में गुची एक्सेसरीज कलेक्शन यानी GAC की स्थापना की गई, जिसके प्रोडक्ट्स की कीमत काफी कम थी। ऐसे में GAC तो चली गई, लेकिन ये गुची की बर्बादी के लिए एक वजह भी बनी, क्योंकि सस्ती होने के कारण फैशनेबल ग्राहकों में इसकी वैल्यू कम होने लगी। 1980 के दशक में गुची ने अपना आकर्षण पूरी तरह से खो दिया। अब वो सड़कों पर बिकने वाला एक वाहियात उत्पाद बन गया। उधर बाजार में इसकी जोरदार नकल होने लगी, जिससे इसकी वैल्यू को और भी चोट पहुंची। उधर पारिवारिक झगड़ों का अंत होने के बजाय मामला खुलेआम मारपीट तक पहुंच चुका था। इन घटनाओं का परस्पर एक साथ घटित होना गुची के लिए खतरे की घंटी बनी, और 1990 के दशक के शुरुआती सालों में कंपनी जिन हालातों से गुजरी वो इसके इतिहास का सबसे बुरा दौर था। फिर गुची के तत्कालीन मालिक रोडाल्फो की मौत ने कंपनी को झटका तो दिया, लेकिन उसे संभालने का मौका भी दिया, क्योंकि रोडाल्फो ने अपने हिस्से की 50 शेयर्स अपने बेटे मोरिजियो गुची के नाम कर दिए, जिसके बाद मोरिजियो ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने काबू में करने की रणनीति बनाई। इसके तहत उसने अपने चचेरे भाई के साथ गठबंधन किया और नीदरलैंड में लाइसेंसिंग विभाग की स्थापना की।
अब परिवार के बाकी सदस्यों ने गुची को छोड़ दिया। मोरिजियो ने कंपनी को ऊंची उड़ान देने के लिए बाहरी प्रतिभाओं की सहायता ली। इसी के तहत साल 1994 में टॉम फोर्ड को गुची का क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद फिर से गुची अपने रास्ते पर लौटने लगा। तो देखा कैसे शुरुआती दौर में आम जनता की साझेदारी से गुची ने खुद को स्थापित किया और बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करने के बाद आज ये बन गया दुनिया का मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड। अब कैसी लगी आपको गुची की सफलता की ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।